एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन चिली ड्राई की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम लगती है और बहुत जल्दी बन जाएगा। और लॉकडाउन में इतने कम इंग्रेडिएंट के साथ अगर घर पे कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली गाइज, ये जो इंट्रो है मैं शूट कर रही हूँ आज अभी 4:30 बजे, तो ये एक्चुअली इसका जो इंट्रो था वो मैंने शूट करके रखा हुआ था, बट वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया था, इसीलिए मेरे को ये दूसरा इंट्रो वीडियो शूट करना पड़ा है। तो सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया चिकन चिली की रेसिपी अपलोड करने में, बट या आज वो वीडियो आ जाएगी। तो तब तक चलो हम लोग रेसिपी देख लेते हैं। सो गाइज, ये हमारा मैरिनेटेड चिकन है। चिकन को मैरिनेट करके रखने के लिए मैंने डाला था इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक, और इसे अच्छे से मैंने मिक्स करके रख दिया था। और 1 घंटे के बाद हमारा चिकन कुछ ऐसा हुआ था, और चिकन में इस टाइम पर मैंने ऐड किया एग, और ये फूड कलर है। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप डाल सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो, बट अगर मार्केट वाला लुक चाहिए उसके लिए ये जो फूड कलर है बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे इसका टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये सिर्फ शक्ल के लिए है, तो आप लोग चाहो तो डालो वरना स्किप कर दो। अब 10 मिनट के बाद हम लोग अपने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसे हम लोग 10 मिनट फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि हमारा चिकन अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये देखिएगा आप लोग, हमारा जो चिकन कितना अच्छे तरीके से पक गया और ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है। और अंडा डालने से क्या हुआ ना कि हमारा जो चिकन है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो जो मार्केट में हम लोग चिकन पकौड़ा वगैरह खाते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। वाओ गाइस, ये इतना टेस्टी लग रहा है ना यार, मतलब इसे आप लोग ऐसे भी खा सकते हो सॉस वगैरह के साथ। वाओ, ये बहुत टेस्टी लग रहा है, लेकिन हमें ऐसे नहीं खाना है इसे। तो चलो हम लोग चिकन चिली बना लेते हैं अपना। तो अब हमने यहाँ पे लिया है हरी मिर्च, अदरक लहसुन कटी हुई, प्याज है ये शिमला मिर्च डाइस में कटा हुआ है, और ये रेड चिली सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है, टमाटो सॉस भी आप लोग ले सकते हैं। ये टॉप्स का प्रीमियम है विनेगर, ये बहुत अच्छा विनेगर होता है। और ये यहाँ पे हमने लिया है टॉप्स का ही सोया सॉस। तो अब हम लोग ने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल, इसमें अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से डाल लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे यही कुछ 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। और ये गाइस, आप लोग एक बात याद रखना कि हम जो चिकन चिली बना रहे हैं ना, इसे हम लोग एकदम हाई फ्लेम पे बनाएंगे। तो जब कढ़ाई आपका एकदम धुएँदार गर्म हो जाए ना, तभी आप लोग अदरक लहसुन को डालना। इससे क्या होता है ना कि जो हमारा चिकन चिली है बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा, बाहर जैसा, और इसमें बहुत अच्छा स्मोकीनेस आएगा, बहुत अच्छा सा इसका जो टेक्सचर और फ्लेवर हो जाएगा ना, ये बिल्कुल बाहर जैसा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने जो ग्रीन चिली काटा था चीरा लगा के, उसे हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे, और इसे भी हम लोग 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, जिससे कि जो ग्रीन चिली का जो अच्छा सा फ्लेवर होता है ना, तीखा वाला, वो हमारे रिफाइंड में मिक्स हो जाए। तो इसे हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जो प्याज और जो शिमला मिर्च हमने काट के रखा था ना, उसको आप लोग अच्छे से डाइसेस में ही कट करना, वो बिल्कुल बाज़ार जैसा लगेगा। तो शिमला मिर्च और प्याज दोनों को साथ में अभी डाल देंगे यहाँ पे, और अच्छे से फ्राई करेंगे जस्ट फॉर 2 मिनट्स। बस इसे हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, इसे इतना ही पकाना ना जितना जितना टाइम में इसका कच्चापन निकल जाए। तो 2 मिनट इन दोनों के लिए काफ़ी होता है, वरना ये जो प्याज है वो थोड़ा गलने लगेगा और शिमला मिर्च भी। और अगर सब्ज़ी थोड़ा सा क्रंची हो ना, तो चिकन चिली खाने का मज़ा ही बहुत ज़्यादा दोगुना तिगुना हो जाता है। और नूडल्स के साथ तो वाओ, मुझे तो चिकन चिली नूडल्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसे अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत लोग रोटी के साथ भी खाना पसंद करते हैं, बट मेरे को पता नहीं क्यों चिकन चिली ड्राई और नूडल्स तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो बातों बातों में हमारा जो शिमला मिर्च और प्याज है वो फ्राई हो चुका है। तब हम लोग यहाँ पे अपने सॉसेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा टोमेटो सॉस और ग्रीन चिली लिया है, अगर आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो आप रेड चिली सॉस भी बिल्कुल ऐड कर सकते हो इसमें। और इसे जस्ट हल्का सा हम जस्ट स्टर कर लेंगे। ये ध्यान देना, इस टाइम पे छींटे बहुत उड़ते हैं, तो प्लीज़ अपने आप को बचा के ही रखना आप लोग। मेरे तो हाथ बहुत जले थे क्योंकि मेरे दूसरे हाथ में कैमरा था, इसलिए देखते हो आप लोग कितना मेहनत करना पड़ता है आप लोग के लिए। और अब यहाँ पे हम लोग जस्ट 1/2 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे,
और अब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे सोया सॉस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं ऐड करना आप लोग, जस्ट इसे भी हाफ ही टेबल स्पून ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स। अब यहाँ पे हमने ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर जो आती है वो, ज़्यादा नहीं, हाफ़ टेबल स्पून उसको भी, बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है ये। और थोड़ा सा सॉल्ट डालना, ज़्यादा मत डालना क्योंकि हमने चिकन को जब मैरिनेट करा था तो उसमें भी तो हमने सॉल्ट डाला था ना। और अब हम अपने चिकन को ऐड कर लेंगे और जस्ट इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। अगर आप चाहो तो एकदम, अगर आपको एकदम ड्राई पसंद है चिकन चिली तो बस इसे बस 2 मिनट तक पकाना सब्जियों के साथ, जिससे चिकन में अच्छी तरीके से सॉस मतलब मिक्स हो जाए और उसके बाद आप इसे ऐसे ही खा सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी वाला पसंद है तो आप लोग शुरू में ही थोड़ा सा ज़्यादा इसमें सॉस डालना और जस्ट आपका चिकन चिली बस रेडी हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च मतलब कॉर्न फ्लावर में पानी डाल के इसे मिला रही हूँ, जिससे कि इसमें हल्का सा ग्रेवी वाला वो आएगा टेक्स्चर। ज़्यादा ग्रेवी मैंने नहीं रखा था, मुझे भी ड्राई पसंद है, तो बस इतना ही। और बस अब क्या हो गया हमारा चिकन चिली तैयार, बस 2 मिनट और, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट और इसे जस्ट फ्राई कर लेंगे और उसके बाद जो है हमारा मज़ेदार लाजवाब चिकन चिली तैयार है। तो ये देखिएगा गाइस, हमारा चिकन चिली ड्राई बन के बिल्कुल तैयार है। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा हुआ है। और ये देखो, ये मैं फोक लगा के आप लोग को दिखा रही हूँ कि कितना अच्छे तरीके से आ गया। और ये हार्ड पीस है तो आप लोग देख सकते हो कितना ईजिली आ गया है फोक में, मतलब आप लोग समझ सकते हो। माय गॉड, ये इतना अच्छा लग रहा है ना, प्लीज़ आप लोग इसे ट्राई करना ज़रूर घर पे। सो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को ये चिकन चिली की रेसिपी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर देना। नीचे एक डॉग रहता है, वो इतना बाग कर रहा है, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को और कुछ अच्छा खाने का मन है या फिर कुछ जो भी आप लोगों का मन करे तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। मैं पक्का एक एक करके सब रेसिपी ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ और भी अच्छे अच्छे और नए नए वीडियोज़ शेयर करने की ट्राई करूँगी। तब तक के लिए बाय।